प्रशासन से सदारणी दरबार तक 300 करोड़ से ज्यादा की लागत से निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे का सड़क धसकने के बाद अब दीवार लटकने लगे हैं और कहीं दरार तो कहीं बड़े बड़े पत्थर अपने स्थान से खिसक गए हैं। बीच बीच बने स्तंभ गिरने की कगार पर है। गौरतलब है कि 2 महीने से सड़क धसकने की जांच जारी है और सड़क बनाते वक्त विभिन्न परतों को बिछाते समय तय मानकों का पालन नहीं किया गया था। जल्दबाजी में परतें भरी गई और उसके ऊपर डामरीकरण कर दिया गया। जब बारिश हुई और इस पर सड़क ट्रैफिक दौड़ने लगा तो नीचे की परत धसकने लगी। इसी के कारण पूरी सड़क भी धसक गई और जगह जगह दरारें पड़ गई है। करोड़ों के लागत से बने एक्सप्रेसवे में किस तरह से बंदरबांट हुआ है इसका आपको नजारा दिखाते हैं। ये कभी भी गिर सकता है, इसका जो ज्वाइंट है छोड़ दिया है और बीच से इसमें दरारें भी आ गई हैं। तो हमारे साथ स्वाति दिनेश जी हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये मामला जो है अब तक क्या लगता है, सरकार इसमें जांच कमेटी बैठाई है लेकिन अब तक कोई इसमें निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। इसमें जो सरकार के द्वारा जो जांच कमेटी बैठाई गई है वो सिर्फ आज तक सिर्फ इसमें डामर रेती गिट्टी की जांच की जा रही है। जो इसका मेन रूप से सर्वे गलत हुआ है, निर्माण गलत हुआ है, गलत जमीन पे निर्माण हुआ है, इसकी कहीं बात नहीं हो रही है। सरकार के द्वारा जो सही रूप से जो जांच करना चाहिए वो बात आज हम 9 महीने से चिल्ला रहे हैं, हम सरकार को जगाए हैं, तब जाके आज सरकार जागी है। पर जागने के बाद भी सिर्फ डामर रेती गिट्टी तक जांच हो रही है, जो कि फॉरेंसिक लैब में जांच होके आ जाएगा, जो लिपापोती का एक जनता को गुमराह करने वाली ही बात कही जाएगी। असली जांच करना है तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इसकी सर्वे ही गलत हुआ है, गलत जमीन पे बना हुआ है, गलत